गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान और पत्नी दो बच्चों के साथ रहते थे। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने दो बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला किया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतना ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। न भूख की चिंता, न प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज़्यादा थक गया था कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुँचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहाँ से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से
उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ के रूप में ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वहाँ पानी लेकर नहीं आया, वह पानी बिल्कुल गंदा हो चुका था। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी लाने के लिए। कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था, और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। गौतम बुद्ध ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूप पानी का ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, तो उसमें उस जीव जंतु के भाग जाने के बाद उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खिली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्ती भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर के किसी भी तरीके का कोई भी हलचल नहीं होता, तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वहीं पर ही रहती। उस जीव जंतु के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियाँ, मिट्टी उस शांत पानी में निकलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मची रहती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें, तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ आ गई। उसे यह भी समझ में आया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह है। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने में। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की ज़रूरतें बढ़ ही जाती है। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो सकता है किसी की ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे।